हेलो एवरीबॉडी, आज रे ऑप्टिक्स में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। और उसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम स्नेल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है रीडायरेक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट। नहीं मतलब कि लाइट जो इंसिडेंट होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मान लीजिए दो मीडियम है हमारे पास, एयर और वाटर जैसा मीडियम ले लिया हमने, ये नॉर्मल प्लॉट किया हमने, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसा सीधा जाना चाहिए। बात हो रही है रीडायरेक्शन की। अब ये बिल्कुल इसी में डायरेक्शन में नहीं जाती, थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले, इट्स ए रीडायरेक्शन या बेंडिंग। तो पर्टिकुलर ये फिनोमेनन क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन। जैसे लाइट ट्रेवल करती है एयर से वाटर में तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इट्स ए रिफ्रैक्शन, एक छोटा सा डिया। अब ये होता क्यों है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इसका? इट इज ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती है कंपेटिवली, जिससे कि लाइट की स्पीड चेंज होती रहती है। लाइट की स्पीड के चेंज होने से लाइट की डायरेक्शन रिडायरेक्शन हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। और इस ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार पर हमारे मीडियम्स होते हैं दो तरीके के, रेयरर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम। तो व्हाट इज द रेयरर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम? रेयर मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेटिवली ज्यादा हो, उस मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम। मतलब एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ लाइट एयर में ग्लास या वाटर के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो हम क्या कहेंगे कि एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। फाइन। तो फिर डेंसर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसमें कि लाइट की स्पीड, बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपेरेटिवली लेस हो, है ना, तुलनात्मक रूप से, तो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट होती है जैसे वाटर में एयर के कंपेयर में कम होती है, तो हम कहेंगे वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एयर के कंपेयर में। बात सुन में आई? अब एक वर्ड इस पे आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है कि लाइट का बेंडिंग होगा कितना एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी। अब होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, दैट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। जैसे सूरज से जनरेट हो रही है लाइट, दैट्स ए प्रॉपर्टी। अब वो लाइट कहीं भी चली जाए उसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता क्या है? इट इज ए फैक्टर बाय विच स्पीड एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगी चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आर रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यू इन वैक्यूम। जब वैक्यूम की बात नहीं करते तो हम एयर ले लेते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितने फैक्टर से स्पीड या वेवलेंथ कम हो जाएगी, दैट फैक्टर इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अगर वैक्यूम में स्पीड है वी वैक्यूम, तो इतना कम होकर जो स्पीड आएगी दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो म्यू हमारे पास एक फैक्टर आ गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइकवाइज वेवलेंथ की बात करें कि इस फैक्टर से वेवलेंथ कम हो जाती है जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है, एयर से किसी मीडियम में जाती है। फाइन। तो म्यू को हम ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं, लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। तो थोड़ा सा आइडिया है कि म्यू क्या करता है, इतने फैक्टर से लाइट की स्पीड या वेवलेंथ को कम कर देता है। फाइन। अब इसको कंक्लूड करें बात को, यदि हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लाइट की वेवलेंथ जो 5829 है उससे कंपेयर करें, तो हमारा जो डायमंड होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज फाउंड टू बी 2.42 एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे कोई पूछे लोएस्ट किसकी होती है, वो एयर की होती है 1.00029।
तो जब हम वैक्यूम की बात नहीं करेंगे तो एयर के भी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में वैल्यू कितनी लेंगे, म्यू इक्वल टू वन, राइट? फाइन, तो चलिए अब हमें एक बेसिक पता लग गया जो जो चीजें हमारे काम में आने वाली है, तो लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्रेक्टेड लाइट। तीनों के तीनों क्या स्क्रीन पर है आपके, तो हम कहते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, क्या स्क्रीन पर है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस पर है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड इज स्नेल्स लॉ, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ हमको एक आइडिया देगा कि लाइट कितना बेंड होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। क्या कहता है वो स्नेल्स लॉ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 μ2, दैट इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये तो चलो हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको इजीली हम सॉल्व कर पाए उसके लिए एक टेक्निक तैयार कर लेते हैं। अभी हमने देखा 1 μ2 किसके बराबर होता है, साइन आई ओवर साइन आर। 1 μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, μ2/μ1, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये I और R तो नाम अपन ने दिए हैं। इस I को मैं कह दूं कि फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा 1, सेकेंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा 2, तो क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो दिया है। मैं X और Y कह दूं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन इससे हम हमारे न्यूमेरिकल्स काफी इजी हो जाएंगे। इसी तरीके से एक बार हम वेलोसिटी की और बात करते हैं, मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी मान लेते हैं v1, सेकेंड में मान लिया v2, तो याद रखना भी आसान हो। कैसे, फर्स्ट मीडियम की प्रॉपर्टी 1 1 क्या थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल जो भी है इंसिडेंस थीटा 1, वेलोसिटी v1। इस तरीके से मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो रहा है यहाँ पर थीटा 2, वेलोसिटी कितना है v2। तो देखिए अब कितना इजी सा फॉर्मूला बना लेते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पहले तो, कि μ2/μ1, आई की जगह थीटा 1 रख दिया बाई थीटा 2, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1/v2। वी क्या होता है, एफ लैम्डा, थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया, पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। ये लाइट कहीं ना कहीं से तो जनरेट हो रही है, मान लीजिए सूरज से जनरेट हो रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स की, सन की, तो फ्रीक्वेंसी तो इंसिडेंट लाइट की भी उतनी होगी और रिफ्रेक्टेड लाइट की भी उतनी होगी। ध्यान रखना मैकेनिकल वेव साउंड वेव में भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम में आएगा। वी क्या होता है, एफ लैम्डा, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू λ1/λ2। क्लियर है? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड हो सकता है, आपसे क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने पर ये आ जाएगा कि μ1 sin θ1 μ2 sin θ2। आपको बस क्या याद रखना है, 1 1 2 2। आपसे वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए रिफ्रैक्शन के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो क्या ये आ जाएगा, क्या μ1 v1 = μ2 v2, राइट? यानी 1 1 2 2। आपसे वेवलेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, λ1 μ1 = μ2 λ2। ये सर क्लियर, तो थोड़ी तैयारी हो गया, स्नेल्स लॉ का थोड़ा बेसिक्स पता लग गया है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, फाइन? चले ओके, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁴ हर्ट्ज और ये ट्रेवल कर रहा है इन ए मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, और ये सी हमको वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, फाइन। अब वेलोसिटी से रिलेटेड हमारी कुछ बातचीत काम में आने वाली है, ठीक है? तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ले लिया, μ1 v1 = μ2 v2, राइट? वैल्यू रख देते हैं। बिफोर दैट देखिए फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ f × λ2। बस f मैंने लिखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा हर मीडियम में, लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी किसी मीडियम में चला जाए, फाइन। तो चलो वैल्यू रखते हैं। देखिए फर्स्ट मीडियम आपका जब भी नहीं रखा, आप एयर या वैक्यूम ले लीजिए, 1 हो गया। वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ओके। फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 × 10⁴, एंड दिस इज λ2, फाइन।
ये कट कर दें, कितना आ जाएगा 2, राइट। तो लैम्डा 2 कितना आ गया, 2 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पावर 14। ओके, 5 से 2 को कट कर देंगे कितना आएगा 0.4, और ये 10 पावर माइनस 6, राइट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, यानी कि अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो मुझे बताओ, सोच के मुझे पता नहीं, मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, क्या 10 पावर 10 होगा, तो प्लस 10 रेज टू पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर 3 आएगा कि प्लस का, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो आपका आंसर क्या होगा अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्वेश्चन, नेक्स्ट लेते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि कई बार क्या होता है, बड़े हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे काल्पनिक क्वेश्चन है, नॉनसेंस। क्या बोला है, देयर आर अ सर्टेन मटेरियल डेवलप इन लेबोरेटरीज दैट हैव अ नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे नहीं होता है किसी का, है ना। रे इंसिडेंट फ्रॉम द एयर, एयर से स्टार्ट होती है, पहला मीडियम क्या है, एयर मीडियम फर्स्ट, एंटर इनटू द सच ए मीडियम, जो मीडियम मान लिया जिसका नेगेटिव है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगी। आपके पास चार ऑप्शंस यहां पर है, ठीक है, ओके। तो पहले देखें अपन यहां पर, फाइन, रिफ्रैक्शन का मतलब रीडायरेक्शन, डायरेक्शन, हाँ। वेलोसिटी क्या होती है किसी मीडियम में, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, यही होता था, है ना। म्यू क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव, ओके। इसका मतलब क्या है कि मीडियम में जो वेलोसिटी है एयर के कंपेयर में, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए, बिल्कुल माने इसका मतलब अपोजिट हो जानी चाहिए। मान लो प्लस वाई डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस वाई में जा रही है तो माइनस वाई में, और पहले माइनस वाई में जा रहा है तो प्लस वाई में हो जाना चाहिए, यही तो कह रहा है वो, आया ना। तो मेरे को सोच के बताओ जरा, हमें सोच के बताओ, क्या ये ऑप्शन ठीक है क्या, नहीं, क्यों, ये तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना, क्या ये ठीक है क्या, नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव वाई में ही तो है डायरेक्शन, है ना, ओके। अब इसमें बताओ क्या ये सही है, नहीं, गलत है। देखो इसमें ऊपर से नीचे की जा रही है और ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, बेसिकली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, क्या ये सही है, यस इट्स करेक्ट, फाइन, समझ में आई बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, प्रूव दैट डेविएशन सफर्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रेज गिवन बाय 10 डेल्टा, ये डेल्टा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय 2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर म्यू प्लस 1 10 आई प्लस आर बाय 2, फाइन। तो ये डायग्राम को गौर से देखिए, इंसिडेंट लाइट, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड लाइट, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट रे इस पाथ को फॉलो करती, यस सर, फाइन। तो ये डेविएशन कहाँ हो रहा है, ये डेविएशन कहलाएगा। इंसिडेंट लाइट को इस रास्ते से जाना चाहिए था डॉटेड रेड लाइन से, लेकिन ये रीडायरेक्शन हो गया, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, है ना, हाँ। ये इतने एंगल से डेविएट हो गई है, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आया। तो इसमें ये रखा है ना ये डेल्टा, वो क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, फाइन, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, अब ये एंगल से रिलेटेड है सारा, तो एंगल वाला फॉर्मूला ले लिया हमने, 1122 म्यू 1 sin theta 1 इक्वल टू म्यू 2 sin theta 2, फाइन, चलो वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट मीडियम वी नेवर नॉट मेंशन, 1 ले लिया, दूसरे मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमको गिवन है, फाइन। ये आई, आप देखो आई और आर के टर्म्स में, तो आई आर ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, थीटा 1 का मतलब क्या है आई हो गया, और थीटा 2 मतलब सेकंड मीडियम में आर हो गया, राइट। अच्छा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू बाई 1 इक्वल टू sin आई और sin आर, लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा हम आई क्यू लगाएं हमेशा कि हमें यहाँ तक जाना, दिस इज अवर टारगेट, ये प्रूव करना है हमको माइनस प्लस, तो बेस्ट है देखिए छोटी क्लास का एलजेब्रा याद करो, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम पूरी फिजिक्स में बहुत जगह काम में आता है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, थोड़ा सा आइडिया देते हैं, बताते हैं आपको क्या होता है, कि यदि कहीं आपको नजर आए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो ए और बी का डिफरेंस और सम का रेशियो सी और डी के सम और डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा। देखिए ए माइनस बी अपॉन प्लस बी सी माइनस डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आप ऐसा रेशियो लेके देखो
ऑलवेज ट्रू, बहुत ही काम का है, अप्लाई करेंगे इसको। ये था हमारे पास। तो देखिए ए बी म्यू माइनस वन म्यू प्लस वन साइन आई और साइन आई माइनस साइन आर डिवाइड में साइन आई प्लस, मतलब डिफरेंस और सम का रेशियो भी बराबर होता है, ये कहना है। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे अपन। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी का ट्रिग्नोमेट्रिक, जिनको नहीं है एक बार रेफर कर ले फॉर्मूले, याद रखना है, काम में आ जाते हैं। फाइन, ओके, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये टू से टू कैंसिल हो गया आपका, और ये आई माइनस आर, आप गौर से देखें ये एंगल आई है तो दिस इज ऑल्सो आई, ये सो नॉट टोटल, उसमें से आर माइनस करेंगे तभी तो डेल्टा आएगा, तो आई माइनस आर क्या है, डेल्टा है, आई माइनस आर क्या है, डेल्टा, इज इट ओके। तो क्या देखो ये साइन ओवर कॉस, तो ये तो टेन बन गया, और इसको उल्टा देखो साइन बाई कॉस, ये टेन बन गया, क्लियर है क्या यहाँ तक? फाइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं अपन, साइन डेल्टा बाई टू, क्या ही आ जाएगा, क्लियर है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिप्रेजेंट स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पास स्नेल्स लॉ, तो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, राइट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है वन इंटू वन वन इंटू वन? सर ये क्या क्या लिखा है, क्यों क्यों लिखा, उसका कारण समझ में आ जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं, यस वी कैन डू। अब वेक्टर में जाना मुझे, क्या वन किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है? यस होता है। तो हम ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्रेक्टेड लाइट, नॉर्मल, इनको वेक्टर की तरह से ट्रीट करें, इनकी डायरेक्शंस को यूनिट वेक्टर्स ले ले हम, तो जरा गौर से देखना, एन कैप क्रॉस आई कैप, एन कैप का मैग्नीट्यूड वन, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, यूनिट वेक्टर वन होता है। क्या एन कैप और आई कैप के बीच का एंगल थीटा वन है? क्या देखना भाई, ये तो आई वेक्टर है, ये तो आई वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल थीटा वन है कि नहीं? यस है, ये थीटा वन है, ये भी थीटा वन है, यस। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जान दो, फर्स्ट वेक्टर एन कैप, ठीक है, ये एरो नीचे, ये आई वेक्टर का है ना, और बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा वन है। इसी तरीके से यहां चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आपका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर और ये आर का यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड हो गया 1 1, और क्या इनके बीच का एंगल थीटा 2 है? यस है, यस। तो इन वेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, क्लियर है? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट इंसिडेंट होती है ग्लास ब्लॉक पर। सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ओके। यहाँ से ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, पहले ए पर रिफ्रैक्शन हुआ इसका, फिर लाइट रिफ्रैक्ट हुई ग्लास के मटेरियल से, फिर बी से, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट बाहर आ गई। यहाँ थीटा वन है, थीटा टू। क्वेश्चन ये कहता है लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास ब्लॉक डायग्राम में जैसा, इफ थीटा वन इज इंक्रीज स्लाइटली। अब इस थीटा वन को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा है ना, इसी गैप में, 90 डिग्री के गैप में, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकता है, ज्यादा हो नहीं सकता है। तो व्हाट हैपन टू द थीटा टू, तो थीटा टू पर क्या फर्क पड़ेगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो देखें आईक्यू से रिलेटेड, सबसे पहले ए पर रिफ्रैक्शन लगाते हैं, मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है आपका, राइट? तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दें अपन, 1 1 2 2, ये मीडियम 1 कह दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दिया, 1 साइन थीटा 1 म्यू साइन, कोई इशू नहीं। आप मुझे बताओ कि यदि थीटा बढ़ेगा, थीटा वन बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, यस और साइन है तो दोनों, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब यहाँ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ये आर है आपका है ना, अब रिफ्रैक्शन एट बी काम में लेंगे, तो ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्या ये एंगल 90 माइनस आर है? यस ये 90 है, तो 90 माइनस आर हो गया, तो बी पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ म्यू। अब यहाँ से देखिए ग्लास से बाहर आ रही लाइट है, तो यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा म्यू, इस मैटर साइन 90 माइनस आर, बाहर आ गया 1 साइन थीटा 2, क्लियर? साइन 90 माइनस आर क्या होता है, कॉस आर, यस और नो? साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज रिवर्स होती है, एक चीज बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ध्यान देना। अब आप आर इंक्रीज हो रहा है, आर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये कॉस आर, ध्यान दीजिए, अगर आपका ये आर इंक्रीज होगा तो कॉस आर कम होता है, साइन थीटा 2 आपका कम होगा, थीटा 2 क्या होगा, कम होगा,
तो मतलब क्या हो गया कि आर को यदि आपने इंक्रीज किया, आगे बढ़ जा रहे हैं, तो थीटा टू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि थीटा वन को स्लाइटली आप इंक्रीज करेंगे तो थीटा टू क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझते चले, बिल्कुल मास्टर कीजिए स्नेल्स लॉ पर। एक राइट लाइट रे आपके पास है और स्फेरिकल सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, वन और रूट थ्री को। इस पर इंसिडेंट होती है, इसका पार्शली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शली रिफ्रैक्शन होता है, राइट? तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इस लाइट और इस लाइट के बीच का ये एंगल बताओ, है ना? तो चलो देखते हैं, इसको आर मान लेते हैं अपन, रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लगाते हैं स्नेल्स लॉ। वन साइन 60 इक्वल टू रूट थ्री साइन आर, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से साइन आर निकाल लेंगे, पहले वैल्यू रख लेते हैं, साइन 60 एवरीबॉडी यू नो, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल कर देंगे, वन बाई टू, तो आर की वैल्यू बताओ कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा, 30 डिग्री। यस, आर तो आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना? इतना आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ये 60 है तो अनडाउटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा, होगा नहीं होगा? ये 30 आ गया भाई, ये 60 आ गया, पूरी एक लाइन पर टोटल जो एंगल होता है 180 होता है, 30 और 60 कितना हो गया 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रह गया बताओ, ये 90 तो ये बचा हुआ कितना रह गया, क्या 90 आ रहा आपका? यस, तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड जो लाइट होगी उसके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आया, करेक्ट? एक और क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमारे पास में स्फेयर है, ग्लास स्फेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। लाइट एंटर करती है 60 डिग्री से, रिफ्रैक्ट होती है ग्लास के अंदर, और इसका पार्शली रिफ्लेक्शन हो जाता है और पार्टली रिफ्रैक्शन हो जाता है, राइट? ये एंगल ऑफ इमर्जेंट कह दिया हमने, ई। फाइन, अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का ये एंगल कितना होगा, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, है ना? सबसे पहले यहाँ रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लें यदि अपन आर, तो हम लिख सकते हैं 1122 वाला फॉर्मूला लगाएं कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर है बाहर, मान लिया अपन ने 1, और ये साइन 60, ये म्यू गिवेन है √3, और ये साइन आर है। क्लियर? चलो वैल्यू रखते हैं, जैसे आर की वैल्यू आ जाए हमारे पास, साइन 60 कितना, √3/2, और दिस इज अगर √3 कैंसिल कर दीजिए तो साइन आर कितना आ गया, 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, कोई इशू नहीं है ना? ओके, अब डायग्राम ध्यान से देखो, अगर ये आर है, ये अगर आर है आपके पास में, तो बताओ क्या ये आर होगा नहीं होगा, इट इज इंपॉर्टेंट। सर कैसे? ध्यान दीजिए, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, ये रेडियस हो गया, दो साइड इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल की ये दो साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, आमने सामने के एंगल है, वो भी तो इक्वल होते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल हो गई, ये आर है, तो अनडाउटली देखिए इस साइड के सामने का और इस साइड के सामने का एंगल भी बराबर होगा, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, यानी ये भी 30 डिग्री होगा। ये पता हो गया आपको, रिफ्रैक्शन इंडेक्स पता है, तो ई फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए करते हैं, अब यहाँ से लाइट रही, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, √3 sin r, 1 sin e, तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू रखने पहले आर की 30 डिग्री, ये कितना 1/2, तो ये √3/2, तो e की वैल्यू कितना आ गया मुझे बताओ, खुद से सोच के कितना आएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। अब आगे देखो कि ठीक है, आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली आर, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी फाइंड करी आपने, 60 डिग्री इमर्जेंट को, ये वाला वैल्यू कितना होगा, क्या ये आर होगा नहीं होगा? पर सर कैसे? ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा इस पॉइंट पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, और आर ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री। एक लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, 180, आपको ये फाइंड करना है, बोलो कितना होगा, 90 डिग्री, है ना? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड जो रे है उनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर आएगा? तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आ गया आपको, गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे एप्रिएंट डेप्थ। एप्रिएंट डेप्थ आपने देखा होगा, जैसे पानी में कोई चीज गिर जाए तो आपको थोड़ा ऊपर उठी हुई नजर आती है ना, यस और नो? तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन,
और न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं वो समझेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।